छोटे बच्चे से लेके बूढ़ा बनूंगा। अरे वाह, क्या ही शानदार मौसम है आज तो यार। बहुत दिन बाद ऐसा मौसम निकला है, बारिश की वजह से ऐसी धूप देखने ही नहीं मिली थी। आज तो घूमने का मजा ही आ जाएगा। वैसे भी आज मेरे दोस्त के बर्थडे पार्टी है, वहाँ पे मुझे और सिंचन को जाना है। वैसे ही सिंचन गया का, ये पता नहीं सिंचन सुबह सुबह कहाँ चले जाता है। अब लगता है उसकी आवाज देख ही बुलाना पड़ेगा। अबे सिंचन, ओ लाल टमाटर, छोटे पाँव वाले बच्चे, किधर है तू? सिंचन फटाफटा, हम लोग को दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना है, लेट हो जाएंगे यार। अरे यार, ये सिंचन कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मैंने उसको बर्थडे पार्टी का बोला तो भी उसको तो बर्थडे पार्टी में जाने का बहुत शौक है, क्योंकि उससे केक खाने मिलता है ना। अरे सिंचन तू कहाँ, जल्दी आना यार, हम लोग को लेट हो रहा है। ओहो फ्रिंकल भैया, फ्रिंकल भैया आप कहाँ हो? अरे फ्रिंकल भैया, अच्छा आप मिल गए। फ्रिंकल भैया ये देखो ना, मुझे क्या हो गया फ्रिंकल भैया। अरे यार ये क्या हो गया, मुझे सिंचन की आवाज तो सुनाई दे रही है पर सिंचन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और ये बच्चा मेरे घर में कैसे आ गया? अरे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी मॉम किधर है? ओहो फ्रिंकल भैया, ये बच्चा और कहीं नहीं आपका सिंचन है। फ्रिंकल भैया ये देखो ना, मैं छोटा बच्चा बन गया। अबे छोटे बच्चे, तूने मेरे को बेवकूफ समझाया क्या? तू सिंचन की आवाज निकाल के बात करेगा मतलब तू सिंचन हो गया? अब बता सिंचन किधर है? मुझे पक्का यकीन है सिंचन इधर ही कहीं छुपा होगा। सिंचन, सिंचन तू बाहर निकल जा। ओहो ये फ्रिंकल भैया तो मेरा विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। अरे फ्रिंकल भैया मैं ही सिंचन हूँ, मैं बच्चा बन चुका हूँ। फ्रिंकल भैया मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? ए छोटे बच्चे, बहुत हो गया तेरा मजाक, बहुत सुन लिया मैंने, अब चल फटाफट से सिंचन को बुला दे। ओहो फ्रिंकल भैया मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मैं ही सिंचन हूँ, मैं छोटा बच्चा बन चुका हूँ। फ्रिंकल भैया प्लीज मेरी मदद करो, मुझे वापस से सिंचन बना दो। अरे छोटे बच्चे यार तू कब तक मजाक करेगा, आज तो अप्रैल फुल डे भी नहीं है, बता ना सिंचन किधर है? मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है सिंचन के साथ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। अरे सिंचन यार तू किधर छुपा है, मजाक मत करना, फटाफट मेरे सामने आ जा। ओहो फ्रिंकल भैया तो मेरा विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, अब मैं फ्रिंकल भैया को कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं ही सिंचन हूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे आइडिया, अरे फ्रिंकल भैया जो आज आपने चड्डी पहनी है वो पीछे से फटी हुई है ना, और आपको खुजली की बीमारी भी है जिसकी वजह से आप हर रोज अपना पिछवाड़ा खुजाते रहते हो फ्रिंकल भैया। और हाँ, जब आप कॉलेज गए थे तो आपने एक लड़की का प्रपोज किया था और उसने आपको सबके सामने थप्पड़ मारा था। अरे यार बस कर, और कितने राज खोलेगा मेरे, लेकिन एक मिनट, ये सब राज तो खाली सिंचन को ही पता है, इसका मतलब ये ही सिंचन है? अरे सिंचन तो छोटा बच्चा कैसे बन गया? ओहो फ्रिंकल भैया आपको क्या ही बताऊं, मैं सुबह से परेशान हूँ कि मैं छोटा बच्चा कैसे बन गया। फ्रिंकल भैया मैं है ना सुबह यहाँ से निकला था खेलने के लिए, तो मैं अचानक से बेहोश हो गया, और जैसे ही मैं उठा तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं छोटा सा बच्चा बन गया। फ्रिंकल भैया, फ्रिंकल भैया मुझे ठीक कर दो, मुझे सिंचन बना दो वापस से। अरे लेकिन सिंचन मुझे तो पता भी नहीं है कि तुझे क्या हुआ है और तू छोटा बच्चा कैसे बन गया, तो मैं तेरी मदद कैसे करूंगा? सिंचन एक आइडिया, हम लोग को कोई डॉक्टर के पास जाना होगा जो हमारी मदद कर सके। ओहो ठीक है फ्रिंकल भैया, मेरे पहचान में डॉक्टर है, वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, हम उनके पास जाते हैं फ्रिंकल भैया। हाँ ठीक है सिंचन, हम लोग फटाफट जाते हैं उनके पास। ओहो फ्रिंकल भैया मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, मुझे कुछ होगा तो नहीं? अरे सिंचन तू टेंशन मत ले, तुझे कुछ नहीं होगा, तू वापस से सिंचन बन जाएगा। ओहो फ्रिंकल भैया ये देखो हम डॉक्टर के घर पे पहुँच गए। फ्रिंकल भैया आप जल्दी आओ, कितना धीरे चल रहे हो। ओहो डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल मेरी मदद करो, ये देखो मैं छोटा बच्चा बन चुका हूँ। अरे ये क्या, ये तो सिंचन की आवाज है, पर ये इस बच्चों में से कैसे आ रही है? ओहो डॉक्टर अंकल मैं ही सिंचन हूँ, मैं छोटा बच्चा बन चुका हूँ डॉक्टर अंकल। अरे सिंचन ये क्या हो गया, तुम छोटे बच्चे कैसे बन गए, तुम्हारे साथ क्या हुआ? ओहो डॉक्टर अंकल आज सुबह है ना मैं बाहर गया था, तो अचानक से पता नहीं मैं बेहोश हो गया, और मैं उठा तो मैं बच्चा बन चुका था। डॉक्टर अंकल कैसे भी करके मुझे सिंचन वापस से बना दो। अरे सिंचन ये तो बहुत ही गंभीर समस्या हो गई, ऐसा केस तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। सिंचन मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे तुम्हें ठीक किया जाए। ओहो डॉक्टर अंकल ऐसा मत बोलो ना, क्या मैं हमेशा बच्चा बन के ही रह जाऊंगा? मुझे वापस से सिंचन बनना है, आपके पास कुछ तो आइडिया होगा जिससे मैं सिंचन बन पाऊँ? अरे सिंचन मैं भी क्या करूँ, ये तो मेरे सामने पहली बार हो रहा है, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि कोई इंसान छोटा बच्चा बन चुका है। सिंचन मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे तुम्हें ठीक किया जाए, पर सिंचन एक उपाय है, तुम्हें पता है हमारे शहर में बहुत ही पुरानी नदी है जिसे कहा जाता है कि वो बहुत ही पवित्र नदी है, उसमें नहाने से सभी के पाप धुल जाते हैं और सब चीजें ठीक हो जाती है सिंचन। अरे डॉक्टर आप ये क्या बात कर रहे हैं, इतनी पढ़े लिखे होकर आप अंधविश्वास की बात कर रहे हैं, सिंचन ये कैसा डॉक्टर है? ओहो फ्रिंकल भैया मैं आपको बताना भूल गया, ये डॉक्टर के साथ साथ एक ज्ञानी पंडित भी है, इनका
का यहाँ पे बहुत नाम है और ये जो भी कहते हैं वो सच होता है फ्रिंगल भैया, तो क्यों ना हम उस नदी में जाके देख ले, क्या पता मैं ठीक हो जाऊँ फ्रिंगल भैया। हाँ सिंचन ठीक है, और कोई रास्ता भी तो नहीं है, तुझे ठीक भी तो करना है, चल हम लोग उस नदी पे चलते हैं। पर सिंचन तुम्हें ध्यान रखना होगा, उस नदी में नहाने के बाद तुम शायद कुछ और भी बन सकते हो, इसलिए तुम्हें संभल के रहना होगा सिंचन। ठीक है डॉक्टर अंकल, मैं ख्याल रखूंगा। तो ठीक है डॉक्टर अंकल, अब मैं और फ्रिंगल भैया चलते हैं। ओहो चलो फ्रिंगल भैया हम लोग चलते हैं। अरे पता नहीं फ्रिंगल भैया ये किस बच्चे का डायपर है, इसमें इतनी सारी पोटी करी हुई है ना फ्रिंगल भैया, मुझे तो बहुत ही चिढ़ा रही है, पता नहीं कब मैं वापस से सिंचन बन पाऊंगा। ओहो फ्रिंगल भैया लगता है हम लोग पहुंच गए, देखो यही वो नदी है जिसके बारे में वो डॉक्टर अंकल बात कर रहे थे, अब चलो फटाफट मैं इसमें नहा लेता हूँ। हाँ सिंचन तू नहा ले, पर संभल के नहाना, कोई खतरा ना हो सिंचन। ओहो फ्रिंगल भैया आप टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे ये पानी तो बहुत ही ठंडा है फ्रिंगल भैया। फ्रिंगल भैया ये तो देखो हमारे लोगों ने इस नदी को कितना ही गंदा कर दिया है, सब कचरा डाल डाल के। अरे वाह इसमें तो बहुत ही मजा आ रहा है, इतनी गर्मी के मौसम में पानी में नहाने में बहुत मजा आ रहा है फ्रिंगल भैया। पर फ्रिंगल भैया अभी तक मुझे कुछ हो नहीं रहा। होगा सिंचन थोड़ा तो सबर रख। ओहो फ्रिंगल भैया पर, अरे फ्रिंगल भैया ये क्या हो रहा है फ्रिंगल भैया, मुझे कुछ हो रहा है। अरे फ्रिंगल भैया बचाओ बचाओ फ्रिंगल भैया मुझे कुछ हो रहा है। अरे सिंचन लगता है इस पानी ने इसका असर दिखाना शुरू कर दिया है, सिंचन तू उधर से हिलना मत, वहाँ पे ही रहे। ओहो फ्रिंगल भैया पर कब तक ऐसा होता रहेगा फ्रिंगल भैया, मुझे कुछ हो रहा है फ्रिंगल भैया बचाओ। अरे ये क्या फ्रिंगल भैया ये तो देखो, मैं तो थोड़ा सा बड़ा और हो गया लेकिन मैं सिंचन नहीं बन पाया, और ये तो देखो मेरे सर पे तो पूरे के पूरे व्हाइट बाल है, मैं तो बुड्ढा लग रहा हूँ। अरे मैं सिंचन कब बनूंगा फ्रिंगल भैया। अरे सिंचन तू टेंशन मत ले, सिंचन एक काम कर तू वापस से ना, क्या पता इस बार तू सिंचन बन जाए। ओहो नहीं फ्रिंगल भैया मैं जा रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, क्या पता इस बार मैं कुछ और बन गया तो। फ्रिंगल भैया मैं इधर से जा रहा हूँ। अरे सिंचन ऐसा भाग, मेरी बात तो सुन सिंचन, एक बार ट्राई कर ले, क्या पता तू वापस से पहला जैसा हो गया तो। अरे सिंचन तू भाग के क्यों आ गया यार, इतनी जल्दी तू हार मान जाएगा, क्या पता एक बार ट्राई करते और तू पहले जैसा हो जाता तो। चल एक काम कर हम लोग जाते हैं फिर से ट्राई करते, तू पहले जैसा जरूर बन जाएगा। ओहो नहीं फ्रिंगल भैया अब मुझे कुछ नहीं करना है, आप देख रहे हो ना मैं कैसा बन चुका हूँ, अब मुझसे कोई भी बात नहीं करेगा फ्रिंगल भैया, और हर कोई मुझे चिढ़ाएगा कि बुड्ढे वाला बच्चा आ गया, देखो ना मैं कैसा हो चुका हूँ, एकदम बुड्ढा लग रहा हूँ, मेरे बाल भी वाइट हो गए। फ्रिंगल भैया मैं क्या करूँ, मैं इसको कैसे नजर मिलाऊंगा फ्रिंगल भैया। अरे सिंचन तू क्यों इतना सोच रहा है, कोई भी तुझे कुछ नहीं बोलेगा, मैं हूँ ना तेरे साथ, और वैसे भी बाहर वाला कोई भी कुछ भी बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। चल सिंचन हम लोग वापस से जाते और ट्राई करते, तू पहले जैसा जरूर हो जाएगा। ठीक है फ्रिंगल भैया चलो चलते हैं। शाबाश सिंचन ये हुई ना कुछ बात, चल फटाफट हम लोग जाते हैं वहाँ पे। अरे सिंचन एक काम कर सुबह से तूने कुछ खाया नहीं है, यहाँ से तू कुछ खा ले। ठीक है फ्रिंगल भैया, वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैं कुछ ले लेता हूँ। अरे भैया यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्या टेस्टी है। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग, खाने भी नहीं देते, पूरा मूड खराब कर दिया, शक्ल देखी थी उस बच्चे की तुमने। ओहो वो लोग तो चले गए, चलो मेरे आंटी से पूछता हूँ, अरे आंटी यहाँ पे खाने में क्या मिलता है। अरे छी कितना गंदा शक्ल वाला लड़का है ये, इसको देख के तो मेरा पूरा मूड ही खराब हो गया, मेरा मूड बिगाड़ दिया, मैं इतनी अच्छी तरीके से खा रही थी। ओहो ये क्या हो रहा है फ्रिंगल भैया, आपने देखा ना कोई भी मुझसे अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहा फ्रिंगल भैया, मैं क्या करूं, क्या मैं इतना गंदा दिख रहा हूं कि कोई मुझसे बात भी नहीं करना चाहता, हर कोई मुझसे दूर भाग रहा है फ्रिंगल भैया। नहीं सिंचन ऐसा कुछ नहीं है, उन लोगों की सोच गंदी है, तू बहुत ही अच्छा दिख रहा है सिंचन। चल सिंचन इन लोगों की बात पे ध्यान मत दे, हम लोग जाते हैं और तुझे वापस से ठीक करते हैं। ओहो फ्रिंगल भैया इस बार तो मैं अच्छा हो जाऊंगा ना, मैं कब से नहा रहा हूँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है, फ्रिंगल भैया मैं कब वापस पहले जैसा बनूंगा। अरे सिंचन तो हो जाएगा, एक काम कर थोड़ा और ना सिंचन। ओहो ठीक है फ्रिंगल भैया आपके कहने पे। अरे फ्रिंगल भैया ये तो देखो मुझे तो वापस से पहले जैसा होने लग गया। अरे फ्रिंगल भैया वापस से ऐसा लगता है कि मैं कुछ और बन रहा हूँ। अरे सिंचन इस बार तो मुझे पूरा विश्वास है कि तू पहले जैसा जरूर हो जाएगा। अरे सिंचन ओहो फ्रिंगल भैया
यही देखो ना क्या हो गया, पिछली बार तो खाली मेरे बाल सफेद हुए थे, इस बार तो मैं पूरा का पूरा बुड्ढा बन चुका हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या होगा मेरा, मैं कब सिंचन बनूंगा फ्रैंकलिन भैया? अरे सिंचन तो हिम्मत मत हार, तू वापस पहले जैसा जरूर बन जाएगा, बस अपन लोगों को कोशिश करते रहना है। अबे बुड्ढे तू नदी के पास क्या कर रहा है, मछली पकड़ रहा है क्या? मछली पकड़ने का तेरा काम नहीं है, अब तेरी जवानी चली गई, तू बुड्ढा हो चुका है, घर पे जाके आराम कर। ओहो फ्रैंकलिन भैया वो देखो ना मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। अरे सिंचन मैंने तुझे कहा था ना बाहर वाले की बात का ध्यान नहीं देना है, उन लोगों का तो काम है खाली बोलने का। चल सिंचन तू वापस से ट्राई कर, इस बार तू पक्का सिंचन बन जाएगा। ओहो फ्रैंकलिन भैया ये देखो इस बार तो पूरा मैं पानी में लेट चुका हूँ, इस बार तो मुझे कैसे भी करके ठीक होना ही है। सही कहा सिंचन। अरे सिंचन ये तो देख पानी का असर शुरू हो गया है, सिंचन इस बार तो तू पक्का पहले जैसा जरूर हो जाएगा। ओहो हाँ फ्रैंकलिन भैया मुझे भी ऐसा ही लग रहा है और होना भी चाहिए क्योंकि मैं कंटाल गया हूँ फ्रैंकलिन भैया। ओहो फ्रैंकलिन भैया और कितना टाइम लगेगा, कब से मैं यहाँ पे लेटा हुआ हूँ, पानी मेरे मुँह के अंदर जा रहा है, कब मैं वापस पहला जैसा बनूंगा फ्रैंकलिन भैया? अरे फ्रैंकलिन भैया आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, मुझे वापस पहले जैसा बना दो। अबे सिंचन उठ के देख, तेरे लिए खुशखबरी है, तू पहले जैसा हो चुका है वापस। सिंचन जल्दी उठ और खुद को देख। ओहो फ्रैंकलिन भैया मजा ही आ गया, मैं वापस पहले जैसा हो गया। और तुम लोग क्या बोल रहे थे, मुझे बुड्ढा बोल रहे थे ना, ये देखो मैं वापस पहले जैसा हो चुका हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया मजा ही आ गया, अब मैं फिर से वापस से मस्ती कर सकता हूँ, मैं वापस पहले जैसा बन चुका हूँ फ्रैंकलिन भैया, ये तो देखो मैं कितना ही हैंडसम लग रहा हूँ। मजा आ गया, ओहो मजा आ गया। अरे दीदी मैं पहले जैसा हो चुका हूँ, क्या आप मेरे साथ घूमने चलोगी, ये देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। अरे दीदी क्या हो गया, चलो ना मैं भी आपके साथ जॉगिंग करता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया वो बुरा क्यों मान गई और यहाँ से क्यों चली गई, मैं तो पहले जैसा हो चुका हूँ और देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ फ्रैंकलिन भैया, मजा आ गया। अरे सिंचन मुझे पता है तू बहुत ही खुश है, लेकिन तू किसी को भी परेशान मत कर वरना लोग तुझे पागल समझेंगे। ओहो फ्रैंकलिन भैया बोलने दो, जिसको जो बोलना है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब तो मैं वापस पहले जैसा हो चुका हूँ। फ्रैंकलिन भैया पता है आपको मैं कितना परेशान हो गया था, मुझे तो बहुत ही टेंशन हो गई थी, मुझे लगा था कि हमेशा के लिए मैं वैसा ही बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ फ्रैंकलिन भैया, मैं वापस पहले जैसा हो चुका हूँ, मजा ही आ गया। हाँ सिंचन सही बोला तूने, सुबह से तो हालत खराब हो चुकी, अच्छा हुआ तू पहले जैसा बन गया। ओहो फ्रैंकलिन भैया मुझे तो वापस पहले जैसा बनना ही था, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो हमारे साथ हैं, क्यों दोस्तों मैंने सही कहा ना दोस्तों, मेरे सिंचन बनने की खुशी में इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, हम लोग फिर से मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।